प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा सोमवार को सागर जिले के देवरी विधानसभा में पहुंची, जहां देवरी नगर में रोड शो करते हुए देवरी के कृषि उपज मंडी पहुंची, जहां जनसभा को संबोधित किया गया। उसके पश्चात जन आशीर्वाद यात्रा देवरी से सहजपुर मार्ग से होते हुए केसली और गौरधामर के लिए रवाना हुई। इसी दौरान देवरी के ग्राम मुआर में भाजपा युवा नेता हजारों ग्रामीण लोगों के साथ जन आशीर्वाद यात्रा का फूल बरसा का स्वागत किया गया। हम आपको बता दें कि पिछले पंचवर्षीय में 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वरिष्ठ भाजपा नेता तेजी सिंह राजपूत को टिकट देकर उम्मीदवार बनाया गया था और भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर का मुकाबला हुआ था, जिसमें कम ही मतों से हार जीत का अंतर देखा गया था। स्वर्गीय तेजी सिंह राजपूत के पुत्र प्रीतम सिंह राजपूत की इस बार के विधानसभा चुनाव 2023 में प्रबल दावेदारी मानी जा रही है एवं उन्हें भारी जन समर्थन क्षेत्र में उन्हें प्राप्त हो रहा है। यही कारण है कि आज जन आशीर्वाद यात्रा देवरी में पहुंची, जहां दर्जनों की संख्या में टिकट के दावेदारों के होने के बावजूद देवरी नगर में कार्यक्रम फ्लॉप रहा। वहीं प्रीतम सिंह राजपूत ने अपने निवास ग्राम मुआर में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटाकर जन आशीर्वाद यात्रा का भव्य स्वागत किया। किसान का अभिलाष पांडे जी, आप सभी का इस जन आशीर्वाद यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है। किसान का बेटा क्षेत्र किसान प्रीतम भैया कमल निशान, किसान का बेटा क्षेत्र किसान, 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 मंत्री बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वागत के लिए।